मेरे कत्ल की वो चेयर करो। थैंक यू चेयरमैन साहब, क्या बात करें इस वक्त। हाउस तो में पांच छह लोग बैठे हैं। एक मैं किस्सा आपको बताऊं, लाड़काना में मजलिस होती थी, फिर वो एक आलिम आता था, उसको टाइम देते थे सुबह को 3:30-4 बजे, जब सारे वो हमारे मोमिन सो जाते थे, फिर कहता था वो जालिम मैं किस किस को जगाऊं। यहाँ बात यह है कि इस हाउस में हमारे दोस्तों की मौजूदगी, स्टार्ट हमने कहाँ से किया, सब दोस्तों ने जो हम कुलीग हैं बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं, इस वक्त हम हमारी यहाँ मौजूदगी इस चीज का कम से कम बता देती है कि ये हाउस कितना सीरियस है। अफसोस है, यकीन मैं तो, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, नए आए, मैं हमेशा विदाउट पार्टी एफिलिएशन बात करता हूं। ये अभी आप आए हैं, मैं इससे पहले भी जब हाउस में था, तो क्योंकि देखें ये मुल्क है तो हम सब हैं ना, हम ये बात कहते हैं, अमलन क्यों नहीं सोचते बात, मतलब हम करते एक हैं अमलन, अभी हम बैठे हैं 6-7 दोस्त, अगर मैंने ऐसी कोई बात कही तो नासिर उठ के खड़ा हो जाएगा, कोरम पॉइंट आउट करेगा, वहां ही मामला खत्म, ठोस हो जाएगा। बात यह है हमें सीरियस होना चाहिए, ये इतना मामूली इशू नहीं है जैसे इसको समझा जा रहा है। तजावीज बहुत हैं, बहुत सारे दोस्तों ने दी हैं, ये माजी से, ये रिसेंट माजी से समझें, अभी भी फ्यूचर में भी यही होगा कि हम पार्टीज एक दूसरे को इसका जिम्मेवार ठहराएंगे, ये हाउस सीरियस होके कभी भी कोई इसका हल बताएगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यहां हम लोग आते हैं एंजॉय करने, एंजॉय किया, टीएडीए भी मिल गया, आज सेशन भी हो गया, ये अच्छी है बात के आज 3-4 घंटे सेशन चला है, सब लोगों को टाइम मिल रहा है। लेकिन हकीकत एक चीज आपके सामने मैं लाना भी चाहता था पहले, कि वो बात एक्चुअली मेरे पार्लियामानी लीडर को करनी चाहिए। हम जो लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, अपोजिशन पार्टी कहला है, हम अपोजिशन में 21 लोग हैं टोटल इस हाउस में, एक आधी पार्टी जो है जिसके 5 मेंबर शायद जेयूआई या कोई, वो किसी भी साइड पे नहीं है, न ज्वाइंट हमारे पीटीआई के अपोजिशन में, न गवर्नमेंट साइड पे। हमें कम से कम ड्यू शेयर दिया जाना चाहिए स्पीचेस में। मैं पीटीआई से सेकंड स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अभी जो बात कर रहा हूं, ये थोड़ी है कि यहां मतलब सब लोगों को आप हमारे साइडों में बिठा दें, आगे वाली चेयर, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ये ज्यादती है, आगे वाली चेयर्स भी उनको अलाट की गई, सेकंड भी दे दी, हम तो बैक बेंचर हैं जैसे भुट्टो साहब कहते हैं। तो बात यह है कि ये है नहीं, सही नहीं है ये हाउस, कम से कम अगर हम इसमें इंसाफ लाएंगे तभी जाके हम आगे जाके बलूचिस्तान के लिए कुछ ले सकेंगे। मैं आ जाऊं बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान की तारीख कोई नई तो नहीं है, ये तो एट अ टाइम पूरे बलूचिस्तान में अटैक होना यह कोई मामूली बात है। हम क्यों नहीं असल मसले की तरफ आते हैं, मोस्टली लोगों की तो टांगें कांपती हैं, मैं ऐसे ही कहूं कि मतलब बात करें, भाई आओ ना मसले की असल निशानदेही आप करें, तब आप उसके मसले के हल तक भी जाएंगे। किसकी जिम्मेवारी है ये सिर्फ एक बलूचिस्तान का इशू नहीं, आप माजी में जाएंगे तो बार बार एक कम्युनिटी, मजहबी शिया कम्युनिटी को हमेशा उनके जब जायरीन जाते थे ताफ्तान, ईरान के लिए ज्यारत थे वाया ताफ्तान, तो उनके बसों से उतार के टारगेट करके 60-60 लोगों को शहीद किया गया, एक मतबा नहीं। अफसोस तो यह होता था कि सिटिंग उस वक्त गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर उसकी सरबराही करते थे, लीडिंग करते थे, उनकी लीडिंग में वो मिनिस्टर बैठ के सिद्दीकी साहब वो कत्ल करवाते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। शिया तो जैसे यहां कम्युनिटी मतलब माइनॉरिटी में है, मुसलमान भी मुश्किल से हैं, अभी भी आप जाएं अभी भी ज़ायरीन की बसों पे हमले हुए, अभी भी रिसेंटली जब आप जाएं हजारा कम्युनिटी, शकूर भाई बैठे हैं, तो हजारा कम्युनिटी के कितने लोग जो है ना वो शहीद हो गए, चाहे वो हुकूमत नए पाकिस्तान की भी थी, उस वक्त भी यह था कि हजारा कम्युनिटी के लोग सैकड़ों लाशें वो रोड पे लेके बैठे हुए थे, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। ये देखिए जब हम हुकूमतों के इस गर्दिश से निकलेंगे ना कि ये मेरी हुकूमत ये उसकी हुकूमत, तब तक हम किसी मसले की तरफ वो हल की तरफ नहीं जाएंगे, मसले का हल निकलेगा भी नहीं। अभी जब शिया कमेटी का वहां कत्लेआम हो रहा था कोयटा में, ताफ्तान में, रास्तों में, कि जायरीन न जाए, जायरीन मौला हुसैन की ज्यारत पर न जाए, वो मौला रजा की ज्यारत पर न जाए, क्या था, गुनाह था।
आले रसूल है, रसूल के औलाद की ज्यारत करना लोगों को गुनाह समझा जाता था, आज ये बलूचिस्तान उस बात की सजा काट रहा है। हम मुसलमान हैं, अगर हमें रसूल के औलाद पे कुछ नहीं होता तो फिर हम कुछ भी नहीं है। देखें चेयरमैन साहब, यहां चीजें बहुत सारी हैं, मैं इस पे आ जाऊं। मैं पहले तो एड्रेस करूं इस हाउस को कि यहां काफी दोस्तों ने एक बात कही कि गुड तालिबान बैड तालिबान। यार गुड और जो भी है ना, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जो एक बेगुनाह को कत्ल करता है मुसलमान है। हमें यही सिखाया गया है, बताया गया है, पाक रसूलल्लाह ने फरमाया कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बात यह है कि जब हम इस पे आते हैं तो हम हकायक भी देखें। मुझे तो तजुब, मैं पहले तो आपसे यह इल्तजा करता हूं, जैसे काफी दोस्तों ने कहा है ना, वाकई एक कमेटी बना दें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी दोस्त, एक कमेटी तो बनाए ना, जो 2018 से लेकर अप्रैल 22 के दरमियान कमेटी बनी थी या जो तालिबान के लिए डिसीजन लिए गए, इसकी एक कमेटी बना दें। मैं तो आपको एडवाइस करता हूं इरफानुल्लाह सिद्दीकी साहब, मेरे बड़े भाई की जगह पे आप इसके सरबराही में कमेटी तो बनाए ना, छोड़ दें पीटीआई के किसी बंदे को। पीटीआई को तो आप इन्वॉल्व करते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि पीटीआई ने ये इन बंदों को लॉन्च किया। सिद्दीकी साहब आ जाए, मैं सिद्दीकी साहब के साथ खड़ा हूंगा, पता तो लगे तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं, ये पॉलिटिकल लोगों की अथॉरिटी है या नहीं। हम एक पियान नहीं लगा सकते, इमरान खान चल के यहां से हजारों तालिबान छुड़ाएगा, बॉर्डर से ले आएगा, मुमकिन ही नहीं है। क्यों हम ऐसी बातों में हकायक क्यों नहीं बताते? ये कमेटी बनाए और मैं भी देखूं कि किस में कितना दम है। मुझे तजुब तो उस बात का हुआ कि यहां एक हमारी पीपुल्स पार्टी की सेनेटर साहबा हैं, जिसको पार्टी ने 6 मरतबा सेनेटर तकरीबन इलेक्ट किया है। मुझे पता नहीं कि वो लीडिंग किस बात की करती है, क्यों नहीं वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात करती है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 90 में प्राइम मिनिस्टर थी, किसने मजहब कार्ड चलाया था? इमरान खान ने तो सियासत ही स्टार्ट नहीं की थी, 96 में आया है खान साहब, तो वो कौन था जिसने बेनजीर साहबा के खिलाफ IGAI बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद? कौन नहीं है वाकुफ उससे? उस वक्त जब तालिबान को, जब अफगानिस्तान जंग चल रही थी, तो वो तालिबान को यहां इंटर किसने किया? उस जनरल ज़ियाल हक का नाम क्यों नहीं कोई लेता? उस सेनेटर साहबा को इमरान खान के तीन साल आठ माह के टेन्यूर पे गुस्सा है, तो ज़ियाल हक पे गुस्सा उसको क्यों नहीं आता? मैं तो यह समझता हूं कि उसको वफा नहीं अपने लीडरशिप की। मुझे तजुब है कि पीपुल्स पार्टी कैसे उसको हर मरतबा सेनेटर बनाती है। उसमें हिम्मत हो तो 90 में बेनजीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की, जब पिक्चर्स जो है हवाई जहाजों से हेलीकॉप्टर से गिराई गई नेक पिक्चर्स, उसका जिम्मेदार कौन था? वही तालिबान थे, वही तालिबान की जो हिमायत याफ्ता पार्टी थी, जिस पार्टी का कायद, जिसका बानी जनरल ज़ियाल हक था। आई ना इतनी हिम्मत है तो खान पे गुस्सा आपको इतना है, जाता नहीं भाई, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको खान से फुर्सत मिले तो आप, मसला क्या है? मसला यह है कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी रियासत की कोशिश है कि पीटीआई को डंडा दें, पीटीआई की लीडरशिप को खत्म करें, खान साहब पे केसेस करें, शादी खान साहब करें, तकलीफ लोगों को। यार कोई बात है? कितने लोगों के स्कैंडल आए भाई, स्कैंडल अगर बताएं, याद नहीं बता से, मेरे साथ दो बहनें बैठी हैं, आगे भी एक बैठी है। बात ये इखला क्या नहीं, हम ज़ातियात पे क्यों जाते हैं? ज़ातियात गाली होती है, गाली पे वो आदमी आता है जिसके पास जो असल जो मौकुफ होता है, उसके बाद हकायक दलाइल खत्म हो जाते हैं, तभी वो ज़ातियात पे आ जाता है। भाई ये हमारे जो आप सिर्फ ये देखें, आपके सिर्फ कोटा का इशू नहीं है, बलूचिस्तान का, अब आप आ जाए ना पंजाब में, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारे दोस्त बैठे हैं, आप इसको जाती ना लें। अभी जो रहीम यार खान में 11 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 7 लोग जख्मी हुए हैं, काफी लापता हो गए हैं, ये रहीम यार खान के डाकू ने कैसे हमला किया काफिले पे, उसका जिम्मेवार कौन है? आप 1.5 साल पहले चले जाएं, सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पे 9 लोग शहीद किए गए, उसका जिम्मेवार कौन था? ये सिंध नहीं था, ये सिंध के डाकू नहीं थे, ये पंजाब के डाकू हैं। हमारे सिंधी डाकू कभी कभी एक आधा सिपाही मार देते हैं, उस पे इतना शोर उठाए, उठना चाहिए, 11 लोगों पे क्यों नहीं उठता? हमारे अभी भी हमारे घोटकी में 3-4 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, 2-3, लेकिन 2 एट अ टाइम नहीं हुए, 2 इंसिडेंट अलग हुए। हमारी सिंध में आप आ जाएं, नसुला गडानी घोटकी में मारा गया,
जानमोहन महत साहब ही था, वो सखर में बार कत्ल किया गया, डॉक्टर अजमल सावंत कश्मीर में कत्ल किया गया, अभी एक इस कद्दू का सैयद सैयद शाकिर शाह वो रास्ते से जा रहा था, वो अगवा हुआ है घोटकी से। हर जगह पे जुल्म है, केपी में आ जाए, केपी में वो हालत है। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी गलत गंभीर बन गई है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय के आप या कि एक पार्टी को निशाना बनाएंगे, पूरी ताकत वहां लगाएंगे तो उधर से आपका ध्यान हट जाएगा। मेरे पास इसका हल है। अभी ये क्या है, जैसे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी वजीर दाखिला साहब, हमें खुशी है कुली गए हमारा, ठीक है हर कोई जैसे जैसे आया है, इस वो अलग बहस है, लेकिन बात यह है उनको क्रिकेट से फुर्सत मिले। क्रिकेट का हाल आपने देखा, T20 वर्ल्ड कप हार गए, अभी उसका उसकी स्टेटमेंट आई है, अभी बांग्लादेश से कल हार गए, भाई कहां तक पहुंचाना है जहां से आपको फुर्सत हो। अभी उनकी स्टेटमेंट है ना, यकीन करें चेयरमैन साहब वो तस्दीक आमेज है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसे शो डाकू जो सारे डाकू हैं वो एक ऐसे शो की मार है। भाई किसने आपको मना किया, आप ऐसे शो को भेजो, या वो जो IG है वहां का चुलबुल पांडे उसको भेज दो, PTI का लड़का देखता है उसको जाके कत्ल कर देता है, डाकू उसको देखने में नहीं आते जब 11 सिपाही शहीद हो जाते हैं, अभी कितने लापता हैं। आपको यहां से क्रिकेट की तबाही है तो बाप रियाज को वहां भेज दें, यहां SHO काफी है। भाई ऐसे ना करें, खुदा के वास्ते वहां से थोड़े फारिग हो जाएं। मैं एक हल भी बताता हूं उसका, वाकई अगर आप चाहते हैं कि कच्चे से डाकू खत्म हो जाए, चाहे सिंध से चाहे पंजाब से, तो फिर एक काम करें जो आसानी से मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ये कर लेगी, पूरे कच्चे में PTI के अपनी तरफ से कोई ऑफिसेस खोल दे, फिर पूरी स्टेट आपकी उधर लग जाएगी, उनको खत्म करने में आपका कच्चा खाली हो जाएगा कम से कम। नंबर 2, अगर आप फिर भी ये नहीं कर पाते कि PTI के नाम से आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये जो कच्चे की जो भी एरिया है आप ठट्टे से स्टार्ट कर दें, आप रही याद करना, ये सारी DHA को दे दें। जी शुक्रिया। फिर मैं एक मिनट में कंक्लूड करता हूँ जी। टाइम क्या है, टाइम चले, किस्मत से आता है टाइम, यकीन अभी तक इतनी बात हम वहाँ आपके ऑफिस में मैं कर सकता था, आपके साथ आप भाई है, बात यह कि टाइम नहीं मिलता, मसाइल इतने, यहाँ आपने देखा होगा कोई जाती बात नहीं है, किसी पे कोई हेड नहीं है, मैं आता हूँ उसका 2 मिनट कम नहीं आप बात तो बात ये भूल गया वो आप इतनी यकीन करें ना, जब ये DHA को आप दे देंगे ना पूरा कच्चा, आपका कम से कम डाकू से जान छूट जाएगी और पाकिस्तान कच्चा भी महफूज हो जाएगा। ये आपका अलका इंतखाब तो नहीं है ये? हाँ जी, मैंने कहा ये तो आपका अलका इंतखाब नहीं है, आपने कहा हम अपनी पार्टी का दफ्तर बनाएंगे, क्या क्या? मैंने कहा आपने कहा वहाँ पे हम अपने ऑफिस बनाएंगे, अलका इंतखाब तो नहीं ना बाबा, वो तो आप नहीं बना, मैंने आपको हल बताया, क्योंकि पूरी इंसानियत सोई हुई है खान के पीछे, चले पूरी इंतजामिया लगी हुई है PTI के पीछे, मैं कहता हूं कि वो PTI के बहाने वहां लग जाएं, हम तो यहां छुपते फिरते कच्चे में कहां जाएंगे, फिर तो IG हमारे पीछे आ जाएगा, IG पंजाब। देखिए बात यह है कि हमें मसाइल पे सही आना चाहिए, ऐसी कोई ना हो कि कल जो है ना कोई भी बंदा ये कहे कि हम जो है ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप सिंध के मसाइल पे मैं आपको एक इल्तिजा भी करता हूं, एक रिक्वेस्ट है आपसे खास, और काइंडली उस पर आप जो है ना वो अपने आदर्श भी जारी करें कि ये जो हमारे सिंध से लोग अगवा हो गए हैं, घोटकी से, घोटकी में कत्ल हुआ है नसल्ला गडानी, जानमन महत सखत से, डॉक्टर अजमल सावंत कश्मीर से, डॉक्टर बचल गोनो, डॉक्टर शाकिर शाह साहब, इनके लिए ये मैटर आप काइंडली ह्यूमन राइट कमेटी को भेज दें, इन लोगों को हम बुला के थोड़ा पूछ लें, ये हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम अपने इलाकों की बात नहीं करेंगे तो कहाँ, ये काइंडली आप ह्यूमन राइट कमेटी को भेजें ताकि वो मतलब इजी हो जाए, किसी की हम दाद रस्सी अगर किसी कहीं कर सके तो वो अच्छा हो जाएगा। बाकी तजुब यह है कि एक आदमी होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को फोन करके पंजाब में कहे कि जी मेरे सर की कीमत आपने क्यों लगाई, वो सबको पता है वो सरगना है, यार पहले उसको तो पकड़ोगा, फोन जो करेगा वो ट्रेस हो जाएगा। मैं ऐसी तनकीदी नहीं करना चाहता जिस पे किसी को तकलीफ हो, मैं कहता उस बंदे को तो पकड़े ना, उससे होम मिनिस्टर को या होम सेक्रेटरी को उससे बात कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक वहां के लोग उसको ट्रेस करके पहुंचे नहीं। सैफुल्ला अबड़ू साहब ने जिन जिन शख्सियात का नाम लिया जो सिंध के पाकिस्तान के बासी है, और इन तमाम लोगों के मैं अपने ऑफिस को कहता हूँ कि इन सबको जो है वो इंसान हकूक इंसानी की कमेटी में भेज दो। थैंक यू सर। हकीकत ये जी कि
हम जहां काम करने के लिए बैठे ये चीजें खत्म होनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब का मैं जिक्र करता हूं, या मोस्टली जब इरफान सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया था तो तब न इरफान साहब सेनेटर थे न मैं था, हुकूमत हमारी थी नए पाकिस्तान की। जब हम दोनों ऐवान में आए, यकीन करें जब सेनेटर नहीं थे तो दिल तकलीफ में था। और मुझे याद है कि इरफान सिद्दीकी साहब को जब हथकड़ी थी और कोर्ट में बिलाया गया तो उनके हाथ में कलम था, ऐसे शो किया था मैंने, मुझे पिक्चर याद है। जब हम ये इस हाउस में आए तो डॉक्टर शहबाज गिल अरेस्ट हुआ, तो उसी पे काफी लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ, तो मैंने स्पीच की थी। अभी तो डॉक्टर साहिबा ने भी बात करनी है, डॉक्टर हाँ उस पे आते हैं डॉक्टर साहब। आप समझो आप उनका टाइम ले रहे हो, ठीक है डॉक्टर जरखा साहिब। मैंने तो वो बातें ही नहीं की जिस पे आप मुझे टाइम ना दें। तो मैंने कहा क्या, ये जो बात आपको बता रहा हूं इस वजह से कि हमें ये ट्रेंड अपनाना चाहिए, अच्छे काम के लिए साथ होना चाहिए, बुरे काम के लिए चाहे अपनी पार्टी हो उसको हमें अपोज करना चाहिए। ये काम हम लेजिस्लेटर्स का है, हमारा ये काम नहीं है कि हम ऐसे ही पीछे चल के अपनी लीडरशिप गलत काम करें तो फिर भी कहें तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जी बात यह है कि अगर हुकूमत हमारी नहीं थी, अभी पीडीएम की पाकिस्तान जो पीडीएम का मंजन था उसकी हुकूमत आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि जी जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी डॉक्टर आपने इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, न कोई इज्जत वाली बात थी। अगर आज डॉक्टर शहबाज गिल को आपने अरेस्ट किया है विदाउट एनी रीजन तो वो भी कोई इज्जत अफजा बात नहीं है। बात यह हमें पार्टीज के इन चीजों से निकलना चाहिए। बलूचिस्तान का इशू, शाहजेब नहीं बैठा है, उसने जबरदस्त बात की, बलूचिस्तान में कोई भी सीएम बाकी सूबों से नहीं लगा। बलूचिस्तान की महरूमी जैसे खत्म होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं महरूमी अफराद की खत्म हुई है। बलूचिस्तान से पीएम बन जाते हैं, बलूचिस्तान से सीएम बन जाते हैं, बलूचिस्तान से मिनिस्टर बन जाते हैं, आम लोगों के मसाइल हल नहीं होते। जैसे हमारे एक भाई ने शकूर साहब ने भी कहा कि सदर साहब को हमें तो खुशी होगी हमारा सिंधी है सदर, बेशक हो गए आपके, बेशक आप उसको जो है अथॉरिटी दें, लेकिन सदर खुद अथॉरिटी है, सदर पाकिस्तान का हेड होता है, उसको किसी की भी नीड नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त की ये स्पीच ये बताती है कि वो भी आजाद नहीं है। आए हम सब मिलके इस पाकिस्तान के सिस्टम को मजबूत करें, तब जो कि मसाइल भी हमारे खत्म होंगे, ये तब उनकी तरफ खत्म न भी हो एक कदम हम बढ़ा सकते हैं। और मैं पीपुल्स पार्टी के दोस्तों को भी इल्तिजा करूंगा कि कम अज कम बेनजीर साहबा की मुश्किलात को भी याद किया करें। बेनजीर साहबा ने जितनी मुश्किलात देखी हैं बींग एज अ लेडी 97 में, बिलावल साहब छोटे थे 6 साल के, उसको उंगली पकड़ के कराची के प्रिजन पे लांडी जेल पे सेंट्रल जेल पे बीबी के खड़ा होना ये बड़े में बड़ी अज़रनाक चीज थी। और अब पीपी की सेनेटर बैठ के फिर भी जो है खान को निशान बनाए, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बीबी के बीबी शहीद के साथ उसकी गद्दारी नहीं हो सकती। थैंक यू सर जी।